गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजीत फागना डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो कि रीट से रिलेटेड है और सभी एग्जाम में वो प्राय पूछा जाता है। तो चलिए अब हेडिंग लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। हाँ देखिए मित्रों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहां पर दो चीजें हैं और दो चीजें हमें विशेष रूप से समझनी है, सब्जेक्ट और वर्ब, कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कि वह एलिमेंट जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट ऑलवेज डूअर नहीं होता, या जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो भी सब्जेक्ट होता है और कार्य करने वाला भी कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। अब आपका ये चीज़ क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट जो कोई भी कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। अब वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होगा, सब्जेक्ट जिस नंबर या पर्सन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूजेस करना, ये क्या है आपका एग्रीमेंट है। यानी इन दोनों का एग्रीमेंट क्या है, किस कर्ता के जो नंबर जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूजेस करना क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो देखिए, उससे पहले हम थोड़ा सा नजरिए डालते हैं वर्ब पर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब का आपको ध्यान रखना है, ये जो वर्ब है आप यूजेस करते समय पहले तो आप ये देख लें कि वर्ब का यूजेस हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है या मेन वर्ब के रूप में करना है। तो इसके कुछ मैं फॉर्म बता देता हूं। जैसे देखिए, बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर और बीइंग, ये आपकी बी की फॉर्म होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी होता है। उसके बाद में आती है आपकी हैव वाली फॉर्म, हैज, हैव और है, और तीसरी आती है आपके डू, डू, डज और डिड। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ब लिखे हैं ये वी की फॉर्म है, ये हैव की फॉर्म है और ये डू की फॉर्म है। तो वी की फॉर्म है, इनका प्रयोग, इन सभी का प्रयोग, इन सभी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और एज ए मेन वर्ब के रूप में होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेन वर्ब के रूप में इनका क्या क्या फंक्शन होता है, उनका सबका सेपरेट है। तो देखिए, बी की जो फॉर्म होती है एज, आर, एम, वॉज, वर, इनके बाद में क्या आ सकता है वो देखिए, इनके बाद में एक एडजेक्टिव आ सकता है जब ये मेन वर्ब के रूप में फंक्शन करें, इसके बाद में कोई भी परिचय का नाउन, परिचय का नाउन, और इनके बाद में आपको देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आ सकती है और इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूजेज किया जाता है। इसी प्रकार से आपका आती हैव वाली, कि हैज है, हैव है और आपका हैड है। जब इनका प्रयोग एज ए पोजिशन के रूप में होता है, जब इनका मेन वर्ब के रूप में कर रहे हैं तो इनका जो प्रयोग है मेन रूप से वो किसके लिए होता है, पोजिशन के लिए होता है, पोजिशन या रिलेशन शो करने के लिए। मैं आपको आगे बताऊंगा कि पोजिशन किस प्रकार से होता है, रिलेशन क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि आई हैव अ मार्कर,
कि मेरे पास में एक मार्कर है। तो यहां पर हैव क्या बता रहा है, इस मार्कर को क्या बता रहा है, पोजिशन बता रहा है। तीसरी आती है आपकी डू वाली फॉर्म, डू, डज और डिड। जब कर्ता का द्वारा किया गया कार्य का अगर एक्शन बताना हो, क्या बताना हो, अगर एक्शन बताना हो तो इस फॉर्म का यूजेज किया जाता है। तो अब हमें ध्यान रखना है सबसे पहले कि जब हम किसी सब्जेक्ट का यूजेज कर रहे हैं और सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब का यूज करेंगे, तो हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इस जो वर्ब है इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है या मेन वर्ब के रूप में किया गया है, पहला मेन फंक्शन। दूसरा आता है कि इसका जो प्रयोग है वो एक्टिव में किया गया है या पैसिव में किया गया है। तो इन चीजों को हम सभी के इनका उल्लेख करेंगे कि एक्टिव में किस प्रकार से होता है और पैसिव में किस प्रकार से होता है। देखिए डिटेल से आज का अध्ययन करते हैं। तो आप पहले एक बार फिर देख लो कि ये वी की जो फॉर्म होती है एज, आर, एम, वॉज, वर और आपके बीइंग होती है, इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है और मेन वर्ब के रूप में भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके बाद में क्या इसका प्रयोग किया सकता है, एडजेक्टिव का प्रयोग हो सकता है, मतलब जो नाउन ऑफ आइडेंटिटी है, परिचय का जो नाउन है उसका यूजेस हो सकता है, इनके बाद में आईएनजी भी आ सकती है और इनके बाद में थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद में क्या नहीं सकता, जैसे आपका कोई अब्स्ट्रैक्ट कोई नाउन दिया गया है तो वो उसके बाद में यूजेज नहीं हो सकता है। उसके बाद में हम प्रयोग देखते हैं कि हैव का जो प्रयोग है, हैज, हैव और हैड। अब आपको ध्यान रखना है आगे हम जैसे आपके एग्जाम्पल आते चलेंगे तो क्लियर कर देंगे उस टाइम कि ये वॉज का वर्ब का यूज कब करना है और हैड का यूज करना है, डिड का यूज कब करना है, वो जैसे एग्जाम्पल आएंगे क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें आप। हैज और हैव है या पोजिशन बताना है या रिलेशन बताना है। रिलेशन में मैं बात कहूं कि आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं, तो ये क्या बता दिया उन्होंने, रिलेशन बता दिया। कर्ता द्वारा किया गया कार्य का कोई अगर उल्लेख करना हो तो वहां पर डू, डज और डिड का यूजेज किया जाता है। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये चीज हमने देख ली थी और वैसे हम देखते हैं आपका एज है, वॉज है, हैज है या आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, तो ये क्या होती हैं, सिंगुलर वर्ब होती हैं। क्या होती हैं, सिंगुलर वर्ब होती हैं। आईसी का मान लीजिए बनाते हैं तो इसका बहुवचन क्या हो गया, आर हो गया, वॉज का क्या हो गया, वर हो गया, हैज का हैव हो गया और इसका जो बहुवचन बनेगा वो क्या बनेगा, वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म, यानी ये सब क्या है, आपके प्लूरल हैं। अब ध्यान रखना है कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट है एसएन, एसएन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, ध्यान रखना है सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको ये यूज करने हैं और आपका जो प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसके साथ में आपको ये यूजेज करने हैं। अब बात है, देखते हैं आगे कि एग्रीमेंट कैसे होता है, वो आप ध्यान दीजिए। अब जैसे हम देखते हैं कि जब टू और मोर देन टू वर्ड्स आर कनेक्टेड द फॉलोइंग वर्ड्स, वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन, ये रूल बन जाता है। जबकि इस रूल को आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि रूल किस प्रकार से रट करके अपन कहाँ इसका फेल हो जाते हैं और एक समझ हमको बढ़ानी है, क्योंकि आपसे नियम कोई नहीं पूछता कि आपका इसका नियम क्या होगा, हमको वहाँ हमारी समझ कैसी है, उस जो एग्जाम जो होती है प्रेशराइज सिचुएशंस में होती है और वहाँ हमको उस प्रेशराइज सिचुएशंस में हमको हमारा वहाँ उस जो नॉलेज हमने जो एक्वायर किया है उस नॉलेज को हमको क्या करना होता है, एप्लीकेशन करना होता है। तो देखिए फॉलोइंग वर्ड्स जैसे आपको दे दिया विद, दे दिया अलोंग विद, दे दिया
टूगेदर विद, इंक्लूडिंग बीसाइड्स, इन एडिशन टू, विद हो गया आपका, एलोंग विद हो गया, टूगेदर हो गया, इंक्लूडिंग हो गया, बी साइड्स हो गया, इन एडिशन टू हो गया, और आपका एज वेल आपका एज हो गया एक्सेट्रा। तो देखिए मैंने यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, विद है, एलोंग विद है, टूगेदर विद है, इंक्लूडिंग है, बी साइड्स है, इन एडिशन टू है, और एज वेल एज है। यदि इनके द्वारा कोई दो नाउन या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन अगर जोड़े जाएंगे तो हम सिंपली हम एक रूल्स रहता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार इसका यूजेज किया जाता है। तो देखिए हम इसको रट करके नहीं, हम इसको आज समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग ही इसका यूजेज क्यों होता है। जैसे मैंने लिखा कि राम along with his friends अब आपको दे दिया यहां is दे दिया, are दे दिया, और आपको एक has दे दिया, और आपको एक have दे दिया, going अब देखिए ध्यान देना कि राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, अब आपको एज है, आर है, हैज है, गोइंग टू ऑन अ पिकनिक। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ब आपको जो दी गई है इनका एग्रीमेंट किसके अकॉर्डिंग होगा। तो ध्यान दीजिए कि यहां पर जो अलोंग जो विद है ये आपका क्या है, एक प्रीपोजिशन फ्रेज है। क्या ये प्रीपोजिशन फ्रेज है? और फ्रेज ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक वर्ड्स जोड़ते हैं और किसी वो एक पार्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूजेस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। तो यहां अलोंग और इसके साथ में क्या जोड़ा, विद जोड़ा हुआ है, इसलिए इसको प्रीपोजिशन फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? प्रीपोजिशन फ्रेज बोलेंगे। अब यहां पर अलोंग विद है, ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और इस प्रीपोजिशन ने इस हिज फ्रेंड्स को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। जब इसको ऑब्जेक्ट बना दिया तो सब्जेक्ट कौन रहा? राम रहा। तो राम के अकॉर्डिंग, यानी राम क्या है, सिंगुलर है थर्ड पर्सन में, तो ये सिंगुलर है, तो इसके साथ में कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर। अब हमने देखा कि सिंगुलर में एज है और हैज है, आर क्रॉस हो गया और हैव क्या हो गया, क्रॉस हो गया। अब हमें ये देखना है कि यहां पर हमें इसका यूज करना है या हैज का यूज करना है। तो ये हमारा थोड़ा सा समझ होना चाहिए कि हमें पता है कि इज के साथ में हम किसका यूज कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज कर सकते हैं, और हैज है, हैज के साथ में, हैज के साथ में या तो कोई नाउन आता है, अगर नाउन नहीं है तो क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां पर हैज का यूजेस नहीं होगा क्योंकि हैज अपने बाद में अगर एक्टिव केस है तो क्या लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। अगर ये पैसिव केस में है तो ये क्या ले लेगा, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेगा। तो इसलिए हमें देखते हैं कि यहां पर हैज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, यानी इज गोइंग ऑन अ पिकनिक। और देखते हैं एग्जांपल, जैसे आपको दे दिया आई एज वेल एज माई पेरेंट्स पेरेंट्स
अब देखिए, आई एज वेल एज माई पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबल टू दिस लॉस। अब आपको वर्ब दे दिया एज, बी में दे दिया आपको आर, और सी में दे दिया आपको हैज, और डी में दे दिया आपको हैव। आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स रेस्पॉन्सिबल डू दिस लॉस। अब हमको ये देखना है कि यहां पर किसका यूजेस किया है, एज वेल एज का यूजेस किया है। किसका यूजेज है, एज वेल एज का यूजेज है। अब जो एज वेल जो एज है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इस प्रीपोजिशन ने इस माई पेरेंट्स को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब यूज होगी नहीं। कभी भी ध्यान रखना है कि प्राइमरी जो वर्ब है कभी भी ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका यूजेज नहीं होता है। हमेशा प्राइमरी वर्ब का जो यूजेज जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। यहां पर माई पेरेंट्स को क्या बना दिया, इसने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो सब्जेक्ट कौन रह गया, यहां पर आई रह गया। अब ध्यान रखना है कि आई जब सब्जेक्ट रह गया तो इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूजेज करनी है, भाई इसके अकॉर्डिंग किस वर्ब का एग्रीमेंट होगा। अब हमको देखना है कि पहले तो ये देखना है कि इस जो वर्ब का यूजेज किया गया है इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा या मेन वर्ब के रूप में किया जाएगा। तो हमने देखा कि आई के साथ में आर आ नहीं सकता, तो ये क्रॉस हो गया। हैव आई के साथ में आ सकता है और हैज आ नहीं सकता, और आपका चलो मैं एक ऑप्शन एम ले लेता हूं यहां पर, एम तो एम यूजेज हो सकता है और इसका यूजेज नहीं हो सकता। यानी दो ऑप्शंस तो वैसे ही आपके एलिमिनेट हो गए कि इसका यूजेज नहीं होगा और किसका यूजेज नहीं होगा, आर का यूजेज नहीं होगा, यानी एम का हो सकता है और हैव का हो सकता है। अब हमको देखना है क्योंकि ये जो वर्ब है आपके जो बी वाली जो मैंने आपको बताई थी ये क्या बताती है, किसी सब्जेक्ट की स्टेट को बताती है। किसको बताती हैं ये, स्टेट यानी उसकी स्थिति को बताती हैं। अर्थात क्लियर हो गया था कि इस बी के बाद में आपका एडजेक्टिव यूजेज हो सकता है और उसके बाद में उसका नाउन ऑफ आइडेंटिटी आ सकता है, बी के बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ सकता है और बी के बाद में आपका थर्ड फॉर्म आ सकता है। तो आई एज वेल एज माई पेरेंट्स यहां पर हैव है, क्योंकि हैव के बाद में तुरंत क्या चाहिए, नाउन चाहिए। क्या चाहिए, नाउन। जबकि यहां पर इस रेस्पॉन्सिबल की अपन बात करें तो यहां पर रेस्पॉन्सिबल जो है वो क्या है, आपका एक एडजेक्टिव है। क्या है, आपका एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव है तो हैव के बाद में कभी किसका प्रयोग नहीं होता है, एडजेक्टिव का यूजेज नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होगा, इस हैव के बाद में कभी भी क्या नहीं होता, किसी एडजेक्टिव का यूजेज नहीं होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हैव जो है, चाहे वो हैज हो, चाहे वो हैव हो, चाहे वो हैड हो, इसके बाद में या तो क्या आएगा, नाउन आएगा, या जब ये मेन वर्ब का फंक्शन करेंगे तब ध्यान रखना है, या तो इसके बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा, या इसके बाद में वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, या इसके बाद में यानी बीन लगा करके क्या जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो कि ऐसा जो केसेस होता है वो हम किस में यूजेस करते हैं, पैसिव में इसका यूजेज करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हैव के साथ में नाउन आ सकता है, हैव के साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म आ सकती है, हैव के बाद में बीन लगा करके वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, वो भी किसमें, पैसिव में। यानी हैज और हैव के बाद में कभी भी किसका प्रयोग नहीं होता है, किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि हैज जो हैव है ये सब्जेक्ट क्या बताते हैं, या तो पोजिशन को बताएंगे, और पोजिशन नहीं बताएंगे तो उसको क्या बताएंगे, उसका रिलेशन बताते हैं। तो ध्यान रखना है यहां पर क्या हुआ, रेस्पॉन्सिबल क्या दिया हुआ है, एक एडजेक्टिव दिया हुआ है। ये ध्यान रखना है, कभी कभी मैं उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल यूज करता हूं। तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल का मतलब है कि मैं बात कर रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ बहुत आवश्यक है। तो यहां पर किसके यूज हुआ, एक एडजेक्टिव के यूज हुआ। तो एडजेक्टिव के बाद में यहां पर कौन सकता है, आई के साथ में आएगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हुआ है, आपका एम हुआ। क्या हुआ, एम हुआ। देखिए और आगे देखते हैं, ये आपने आशा करता हूं ये आपके समझ में आया होगा। एक बार मैं पुनः बता देता हूं कि जो बी की फॉर्म है आपकी एच आर एम बॉज वर और आपका बी है, इनके बाद में किसी एडजेक्टिव का यूज हो सकता है,
किसी नाउन का जो नाउन ऑफ आइडेंटिटी है यानी सब्जेक्ट की स्थिति बताती है। जैसे मैंने कहा कि आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, यहां पर डॉक्टर किसकी स्थिति बता रहा है, आई यानी मेरी स्थिति बता रहा है। तो इसका यूजेज हुआ क्योंकि प्रयोग किसका हुआ, एम का यूजेज हुआ था। उसके बाद में एडजेक्टिव का यूजेज हो सकता है किसके बाद में, बी प्लस वर्ब की थर्ड क्यों है। और उसके बाद में बी के बाद में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जो कि एक्टिव केस में आता है, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आती है किसमें, पैसिव में आती है। किसमें आती है, पैसिव में आती है। अब देखिए, अब हम बात करें, थोड़ा आगे बात करते हैं, ध्यान रखें। आशा करता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोबारा फिर बोल रहा हूँ मैं, यू हैव टू एंड मोर देन टू वर्ड्स आर कनेक्टेड विद अलोंग विद अलोंग विद टूगेदर विद इंक्लूडिंग बिसाइड्स इन एडिशन टू एज वेल एज। तो फर्स्ट वर्ब का जो यूजेज होगा वो किसके अनुसार होगा, फर्स्ट नाउन के अनुसार होगा। अब ये चीज आशा करता हूं बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग यूजेज क्यों होता है, सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग इसका यूजेज क्यों नहीं होता है। क्योंकि ये सारे क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन जो होते हैं वो अपने बाद आने वाले क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी प्राइमरी वर्ब का यूजेज नहीं होता है। यानी प्राइमरी वर्ब उसको बोलते हैं जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार किया जाता है, उसको प्राइमरी वर्ब बोलते हैं। ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट की वर्ब कभी भी प्राइमरी नहीं हो सकती है। ध्यान रहे, ऑब्जेक्ट की वर्ब कभी भी क्या नहीं हो सकती, प्राइमरी वर्ब नहीं हो सकती है। प्राइमरी वर्ब सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, सब्जेक्ट की होगी। किसकी होगी, सब्जेक्ट की होगी। आशा करता हूं आपका एक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, कुछ हम देखते हैं कि एज वेल एज है, क्या है, एज वेल एज है, उसका जो यूजेज जो है वो एज ए किसके रूप में होता है, कनेक्टिव के यूज में होता है। किसके यूज में होता है, कनेक्टिव। अभी तक तो हमने देखा था कि प्रीपोजिशन के यूजेज में होता है, किसके रूप में होता है, प्रीपोजिशन के रूप में होता है। अब देखिए वहां पर स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, जैसे आपको दे दिया आई एज वेल एज एज वेल एज ही, आई एज वेल एज ही, और यहां आपको बिल्कुल चेंजेस नहीं करना है, और फिर आपको दे दिया ये वाला है ना, आई एज वेल एज ही, और ऑप्शंस में दे दिया आपको एज दे दिया, बी में आपको आर दे दिया, और सी में आपको मान लीजिए हैव दे दिया, और डी में मान लीजिए आपको हैड दे दिया। आई एज वेल एज ही दे दिया आपको कि आई एज वेल एज हिम। अब क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चे इसको रट करके बैठ जाते हैं, कैसे बैठ जाते हैं कि उसने देख लिया कि एज वेल एज है, क्योंकि ये नियम में किताबों में लिखा हुआ है सारी चीज कि एज वेल एज के द्वारा अगर जोड़ा जाएगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नाउन का वर्ब का प्रयोग होता है, ये सब किताबों में लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना, मैं किस प्रकार से इसका खंडन करता हूं कि एज वेल एज है। अब हमें एज वेल एज के बाद में ये देखना है कि एज वेल एज के बाद में यहां पर क्या दिया हुआ है, ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ही दिया हुआ है। अब ये जो आपका ही है ये आप किस में है, सब्जेक्ट किस में, किस किस में दिया हुआ है, सब्जेक्टिव किस में दिया हुआ है, और आई जो है ये ऑलरेडी आपका सब्जेक्टिव केस है। यानी एज वेल एज के बाद में यहां पर क्या दिया हुआ है, ये ही दिया हुआ है, जो कि इसका केस क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो एज वेल एज का जो यूजेज जो किया गया है, एज ए किसके रूप में किया गया है, कंजक्शंस के रूप में किया गया है। किसके रूप में किया गया है, कंजक्शंस के रूप में किया गया है, जिसका मतलब होता है एंड प्लस एल्सो। यानी ये आपका हिंदी में सेंस देगा यहां पर, क्योंकि अभी तक तो हमने अध्ययन किया था कि एज वेल एज का एक प्रीपोजिशंस के रूप में अध्ययन किया था,
अब हम अध्ययन कर रहे हैं कि एज वेल एज एम, ये हमें कैसे पता लगेगा? इसके बाद वाले वर्ड्स दिया गया है, जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, उससे पता लगेगा कि इसके बाद में क्या दिया गया है। ही दिया गया है जो कि सब्जेक्ट फॉर्म में। अब आप एज वेल एज है, जो एज किसका मीन्स दे रहा है, यानी एंड प्लस एल्सो का, यानी और भी, यानी इसका मतलब है कि मैं और वह भी, मैं और वह भी। अब यहां पर एंड का दे दिया, क्या दे दिया? एंड का दे दिया। अब जब एंड के द्वारा दो सब्जेक्ट अगर मान लीजिए जोड़े जाते हैं तो क्रिया किसकी आती है? बहुवचन की आती है। अब देखो रटने वाले यहां पर इस वो यहां फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एग्जामिनर जो सेटर है उसको अच्छी तरह पता है कि भाई एज वेल एज के यूजेस वो रट करके बैठा है, जो किताबों में दिया हुआ है कि एज वेल एज का प्रयोग कहीं पर आ गया तो बस देखते ही लगाते जय माता की, फर्स्ट देखेंगे और फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग किसी किसका प्रयोग कर देंगे, नाउन का प्रयोग कर देंगे। यानी जैसे मान लीजिए आप दे दिया कि आई है और आई के इसको देखा नहीं इसको, और आई के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग कर दिया? एम का यूजेज कर दिया। अब यहां पर एम का जो प्रयोग है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब यहां पर एज वेल एज का जो प्रयोग है वो किसके रूप में हुआ है? कंजक्शन के रूप में हुआ है। यह हमें किससे पता चला? इसके बाद वाले वर्ड से। क्योंकि अगर यहां पर मान लीजिए देखो ऐसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता हूं कि आई एज वेल एज अहिम, आई एज वेल एज हिम खालिस्तान क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स। अब देखिए यहां पर एज वेल एज के यूज हुआ है, अब यहां पर एज वेल एज है, अब यहां पर एज वेल एज ने इस हिम को क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। यहां पर किसके रूप में हुआ है? प्रीपोजिशंस के रूप में हुआ है। अब जब एज वेल एज ने इसको क्या बना दिया? हिम बना दिया। अब यहां पर जो वर्ब का जो एग्रीमेंट होगा किसके अकॉर्डिंग होगा? इस आई के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? आई के अकॉर्डिंग, यानी किसका प्रयोग होगा यहां पर? एम का। लेकिन यहां आप एम लगाओगे तो यहां बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एज वेल एज के बाद में क्या दिया हुआ है? एक ही का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ही दिया हुआ है, और ही की ही ने ही जो है आपका ये एक सब्जेक्टिव केस है। कैसा केस है? सब्जेक्टिव केस है। तो हमें क्लियर हो गया कि यहां पर एज वेल एज का प्रयोग किसके रूप में हुआ है? कंजक्शंस के रूप में हुआ है, और कंजक्शंस में इसका मतलब क्या होता है? एंड प्लस एल्सो है। तो यानी अब ये जुड़ गए, यानी क्या जुड़ गए ये? अब देखिए यहां पर किसका प्रयोग है? आई के अकॉर्डिंग, तो क्या आना चाहिए यहां पर? एम आना चाहिए, और इस ही के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? एज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एज आना चाहिए। यानी यहां पर एम और एज हैं, अभी अगर दोनों जुड़ेंगी तो ये क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? इसका बहुवचन बन जाएगा, क्योंकि एम का जो यूजेज हुआ है वो आई के अकॉर्डिंग हुआ है, और ही का जो यूजेज हुआ है वो एज के अकॉर्डिंग। अगर इन दोनों वर्बों को मिला दें तो क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि एज वेल एज कब तो ये प्रीपोजिशंस होता है, कब ये कंजक्शंस होता है। तो एकदम स्थिति क्लियर हो गई है, ध्यान रखना है। अब आपको रटना नहीं है, मान लीजिए आप रट करके नहीं बैठना है कि आपको एज वेल एज कहीं पर आपको देखा और आपने जय माता के लगाया और फर्स्ट नाउन को आपने देखा जो नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब का यूजेस किया, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है प्रॉपर तरीके से कि एज वेल एज का जो उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, यहाँ पर किसके रूप में यूजेज हुआ है। एक वर्ड्स और आता है इस प्रकार से, याद आ रहा है मेरे को, लाइक। अब क्या है लाइक का मतलब? होता है इसे पसंद करना होता है। क्या होता है? लाइक का पसंद करना होता है। अब लाइक का जब पसंद करना होता है तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी किसी को पसंद करना। कैसी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है, किसी को पसंद करना, यानी इसके बाद क्या लेती है? अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है। लेकिन जब लाइक का प्रयोग एक प्रीपोजिशन के रूप में किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है? प्रीपोजिशन के रूप में किया जाता है, तो मतलब ये के जैसा या तरह या लाइक इसके रूप में इसका प्रयोग होता है। किसके रूप में? इसके रूप में। देखिए आगे आप देख चलते हैं, ध्यान रखना है कि लाइक का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग है? लाइक का। तो लाइक ध्यान रखना है कि लाइक का मतलब पसंद करना, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब कई सारे विद्यार्थियों को मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये टी भी है और ये आई टी भी है, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको स्थिति स्पष्ट कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि ये हमें बार बार आएगा और ये इस पूरे कंसेप्ट में चलेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, एक्टिव पैसिव है। देखो ये एक कॉमन चैप्टर है, ये इसमें सारी चीज आएंगी, आपको सब चीज का नॉलेज हो जाएगा आपका।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आपका वर्ब है, उसके बाद में आपका एक्टिव से पैसिव है, आपके मॉडल्स हैं वो भी। देखो थोड़ा सा मैं, हालांकि अब जब वर्ब पढ़ाएंगे तब क्लियर कर देंगे, लेकिन थोड़ा समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। टीबी और आईटीबी यानी ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है जिसको हम हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इन सकर्मक क्रिया है, इसको क्या जरूरत होती है? ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि ट्रांजिटिव जो वर्ब है ये अपना इफेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर करती है, अपना इफेक्ट, ई डबल एफ ई सी टी, इफेक्ट, ध्यान रखना है, इफेक्ट, इफेक्ट, ये इसका ध्यान रखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इफेक्ट क्या होता है? नाउन होता है, और एक होता है अफेक्ट, ए डबल एफ ई सी टी, अफेक्ट। ये इसका ग्रामेटिकल जो प्रोफाइल है ये क्या है? इसका वर्ब है। इसमें भी आप थोड़ा देख लेना कि इफेक्ट है और ये अफेक्ट है। ए वाला क्या होता है? वर्ब होता है, और ई वाला क्या होता है? नाउन होता है। यानी ट्रांजिटिव जो वर्ब है अपना जो इफेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर करती है। इसी कारण है कि ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन का यूजेज नहीं होता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। अब मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव अपना जो इफेक्ट है सीधा किस पर ट्रांसफर कर रही है? ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर रही है। तो ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं होता है। जबकि आईटीबी जो वर्ब होती है, क्या होती है? आईटीबी। और वैसे मैं कह सकता हूं 100% नहीं, लगभग 90 एवो परसेंट, मतलब उससे एवो, यानी जो ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है ये करने का सेंस देती है। किसका सेंस देती है? ये करने का सेंस देती है ट्रांजिटिव वर्ब। जबकि आईटीबी जो वर्ब है ये होने का सेंस देती है। किसका सेंस देती है? ये होने का। अब जैसे जैसे इससे संबंध आएंगे तो अपन क्लियर करते चलेंगे कि आईटीबी है, क्योंकि आईटीबी को इसके बाद में किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जब इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है तो आप मान लीजिए आईटीबी के बाद में कोई ऑब्जेक्ट लगाना है, क्या लगाना है? आईटीबी के बाद में अगर कोई सी ऑब्जेक्ट का अगर यूजेस करना है तो ये तो अपना इफेक्ट यहीं तक सीमित रखती है। अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट के बीच में किसका प्रयोग होता है? आईटीबी और ऑब्जेक्ट के बीच में किसी प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। ध्यान रखना है कि आईटीबी अपना इफेक्ट यही अपने आप तक रख लेती है, इसका इफेक्ट कहाँ नहीं होता? ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं होता। जब ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं होता, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट लगाना भी है तो इसको क्या है? सपोर्ट ये आईटीबी देगी नहीं, तो सपोर्ट नहीं देगी, तो इसका सपोर्ट देने के लिए फिर किसका यूजेज होता है? प्रीपोजिशन का यूजेज होता है। और आपके नॉलेज के लिए बात और बता देता हूं कि आईटीबी ये जो है, इस आईटीबी का जो थर्ड फॉर्म जो होता है वो कभी भी क्या नहीं बन सकता? पार्टिसिपल नहीं बन सकता है। क्या नहीं बन सकता? पार्टिसिपल। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपन एडवांस वर्ब पढ़ाएंगे तब क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस चैप्टर में जो आने वाली चीजें हैं इसलिए मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं, क्योंकि आईटीबी का जो थर्ड फॉर्म है वो पार्टिसिपल के रूप में नहीं हो सकता। यानी पार्टिसिपल आपको पता है कि किसका फंक्शन करता है? एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। किसका फंक्शन करता है? एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। यानी इसका जो थर्ड फॉर्म है वो किसी नाउन से पहले इसका यूजेज नहीं हो सकता। जैसे मैंने लिखा ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर। अब देखिए जो ब्रोकन जो चेयर है, जैसे मैंने लिखा कि टेक अवे फ्रॉम हेयर, आपको दे दिया कि टेक अवे फ्रॉम, ठीक है, हियर दिस ब्रोकन चेयर, यानी यहां से इस टूटी हुई कुर्सी को हटाओ। अब देखिए यहां पर क्या है? चेयर है, ये आपका क्या वर्ब हो गया? नाउन हो गया। और इस नाउन से पहले क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये जो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है इसकी किसकी विशेषता बता रही है? चेयर की विशेषता बता रही है। इसलिए इसमें क्या है? ये पार्टिसिपल के रूप में यूजेज हुआ है। अब यहां पर ये जो है केवल और केवल पार्टिसिपल जो वर्ब होती है वो आपके जो ट्रांजिटिव जो वर्ब होती हैं उनका प्रयोग ही किया जा सकता है। आईटीबी का कभी भी इसका इसके साथ में ऐसा यूजेज नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं।
जैसे आपको और दिया, ऐसे मैं देखता हूं, राकेश राकेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स rewarded on the Republic Day. ऑप्शंस आपको दे दिए, वर वर दे दिया आपको, वॉच सी में दे दिया आपको, हैज और डी में दे दिया आपको, मान लीजिए है। अब देखिए, अब आपको यह ध्यान रखना है कि अगर एज वेल एज के बाद में कोई अगर नाउन दिया हुआ है तो आपको 95 या 90 में कह सकता हूं कि 99% ये जो एज वेल एज होता है ये क्या होता है, प्रीपोजिशन ही होता है। ऐसे केस में ध्यान रखना है जब आपको अंडरलाइन किया गया है, इसके बाद में कोई प्रोनाउन दिया गया है और प्रोनाउन के जो प्रोनाउन है वो आपका सब्जेक्ट फॉर्म में अगर दिया गया है तब आपको एज वेल एज को क्या मानना है, कंजक्शन मानना है, अन्यथा अदरवाइज आप एज वेल एज को क्या मानना है, आपको प्रीपोजिशन ही मानना है। तो एज वेल एज है, प्रीपोजिशन दिया हुआ है, इस प्रीपोजिशन से इस हिज फ्रेंड्स को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब चूंकि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो प्राइमरी वर्ब का यूज होगा नहीं, फिर किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब यहां पर सब्जेक्ट कौन दिया हुआ है, यहां पर राकेश दिया हुआ है। अब देखिए, इससे पहले आपको यह सुनिश्चित करना है कि जब आप वर्ब का यूजेस कर रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का जब एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो देखिए एक उस बात आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि जो वर्ब आपको दी गई है उसका प्रयोग आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर रहे हो या मेन वर्ब के रूप में कर रहे हो, पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता, आपको देखना है कि जिन वर्ब का एग्रीमेंट आप सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं उनका जो प्रयोग है वो आप एक्टिव में कर रहे हो या पैसिव में कर रहे हो। अब आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव और पैसिव, तो मैंने आपको बताया था कि एक्टिव में कब यूजेज करना है और पैसिव में कब यूजेज करना है। तो देखिए आगे चलते हैं हम कि राकेश दिया हुआ है, इस राकेश के अकॉर्डिंग, इस राकेश सिंगुलर है तो यहां पर हमने देखा कि वर्ब क्रॉस हो गया, वर्ब का यूजेज नहीं होगा। और दूसरा हमने देखा कि राकेश बहुवचन है तो आपका हैव क्रॉस हो गया। अब हम फंस गए कहां, हैज में और वॉज में, क्योंकि हैज का प्रयोग है, हैज के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, नो डाउट। और हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड। अब स्टूडेंट क्या है, यहां जाकर के फंस जाता है, अब उसको ये डिफाइन करना नहीं आया कि इसमें मैं हैज का यूजेज करूं या वॉज का यूजेज करूं। तो देखिए अब ऐसे स्थिति में आप क्या करोगे, ऐसे स्थिति में आपको वर्ब देखनी है कि वर्ब है थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, किसका यूज किया गया है, थर्ड फॉर्म का। तो आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं इसको हल करने के लिए।
या तो आप मान लीजिए इस वर्ब का और इस सब्जेक्ट का आप रिलेशन देख लें। यदि सब्जेक्ट और इस वर्ब में अगर मान लीजिए एक सीधा एक रिलेशन है, ये जो सब्जेक्ट है इस वर्ब को मान लीजिए अगर कर रहा है, ध्यान दो, यदि ये जो सब्जेक्ट जो दिया गया है ये सब्जेक्ट मान लीजिए कोई एक्शन कर रहा है, जब कर रहा है तब तो ये एक्टिव फॉर्म में आएगी। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट ऐसा ना करके सब्जेक्ट पर एक्शन अगर हो रहा है, क्या हो रहा है, सब्जेक्ट पर अगर एक्शन अगर हो रहा है तो आपको वहां यूजेस करनी है कौन सी, पैसिव। तो आप देखिए कि राकेश को सम्मानित, राकेश ने सम्मानित किया या राकेश को सम्मानित किया गया, तो राकेश को सम्मानित किया। अब इस पर राकेश को सम्मानित किया, इसका मतलब है कि राकेश पर ये एक्शंस किया गया, क्या किया है, राकेश पर ये एक्शंस किया गया है। और आप नॉलेज के लिए मैं बहुत बढ़िया बात बता देता हूं कि यहां पर ये जो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूजेस हो रही है और इसके साथ में देखिए क्या आ रहा है, ऑन आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑन, जो कि क्या है, एक प्रीपोजिशन है, ऑन क्या है आपका एक प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद क्या दिया हुआ है, द रिपब्लिक डे दिया हुआ है, क्योंकि ये जो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका जो यूजेज जो हुआ है वो किस में हुआ है, पैसिव में हुआ है, किस में हुआ है, पैसिव में हुआ है। अब ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि जो पैसिव जो वर्ब होती है अपना जो इफेक्ट है ये बैकवर्ड लाती है, ध्यान दो, पैसिव जो वर्ब होती है अपना जो इफेक्ट है ये क्या है, बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शंस में लाती है, किस में लाती है, बैकवर्ड डायरेक्शंस में लाती है, ध्यान दो, फिर समझो इसको, तो थोड़ा सा जटिल है कि अगर पैसिव का यूजेस करना है तो पैसिव जो वर्ब है वो अपना इफेक्ट जो है, अपना जो प्रभाव है ये किस पर लाती है, वापस लाती है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शंस में, उल्टी दिशा में लाती है, अर्थात ये किस पर एक्शंस करती है, अपने सब्जेक्ट पर करती है। जबकि एक्टिव फॉर्म वाले जो वर्ब आती है ये जो अपना एक्शंस जो होती है, अगर मान लीजिए कहीं पर भी आपको अगर एक्टिव में यूज करना है तो एक्टिव जो वर्ब होती है ये अपना जो एक्शन है, ये अपना जो इफेक्ट है, ये अपना इफेक्ट है ये क्या करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में करती है। अब देखो ध्यान दो, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि एक्टिव में फॉरवर्ड डायरेक्शंस में करेगी, जब फॉरवर्ड डायरेक्शंस में करेगी तो इसके बाद तुरंत क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसमें एक्टिव में, जब अपना इफेक्ट है कहां कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन कर रही है, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन करेगी तो क्या क्या रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है। यही कारण है कि एक्टिव जो वर्ब होती है वो ऑब्जेक्ट और जो आपका जो वर्ब दी गई है इनके बीच में किसी भी प्रीपोजिशन वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। अगर मान लीजिए इनके बीच में अगर प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रीपोजिशन आपको दिया गया है, तो ये मान लीजिए कि ये जो वर्ब दी गई है आपको, ये वर्ब क्या है, अपना जो इफेक्ट है ये क्या ले जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शंस में ले जा रही है। क्योंकि यहां पर देखिए जैसे रिवार्डेड का ये जो प्रयोग हुआ, किसका प्रयोग हुआ, रिवार्डेड का प्रयोग हुआ, तो इसके रिवार्डेड के बाद में किसका प्रयोग हो गया, ऑन का प्रयोग हो गया, किसका प्रयोग हुआ, ऑन का, क्योंकि ऑन का यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये जो प्रीपोजिशंस है ये किसको सपोर्ट दे रहा है, द रिपब्लिक डे को, किसको दे रहा है, रिपब्लिक डे को, यानी इसका इस प्रीपोजिशंस का ये जो रिपब्लिक डे है इसका क्या है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को सपोर्ट देने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि ये जो रिवार्डेड जो वर्ब है इसने अपना जो इफेक्ट था वो कहां दे दिया, इसने कहां दे दिया, बैकवर्ड दे दिया। अगर यही वर्ब मान लीजिए अगर पैसिव में होती तो अपने बाद में तुरंत क्या ले लेती, ऑब्जेक्ट ले लेती। जैसे देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इसमें लिखा आई रिवार्डेड मोहन, मैंने मोहन को सम्मानित किया। अब यहां पर ये रिवार्डेड जो वर्ब है यहां पर किस में हुआ है, एक्टिव हुई है, क्योंकि इस रिवार्डेड के बाद में किसका प्रयोग हुआ, मोहन के हुआ, तो मोहन यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अब इस रिवार्डेड ने अपना जो इफेक्ट है ये क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, तो फॉरवर्ड कर दिया तो इसके बाद में क्या गया, मोहन, यानी मोहन यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर इस ऑब्जेक्ट और इस वर्ब के बीच में किसी भी प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्रीपोजिशंस गलत है और यहां पर प्रीपोजिशंस सही है, क्योंकि यह अपना रिवार्डेड जो वर्ब थी ये अपना जो एक्शन है कहां ले जा रही थी, बैकवर्ड ले जा रही थी, और इस द रिपब्लिक डे जो है ऑब्जेक्ट है इसको सपोर्ट देने के लिए हमने किसका यूजेज किया, प्रीपोजिशंस का यूजेज किया। ये चीज क्लियर हो गई कि यहां पर किसका यूजेज नहीं होगा, एक्टिव फॉर्म में इसका यूजेज नहीं होगा।
अर्थात यहां पर जो हैज है वो क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। और यहां पर सही आंसर क्या होगा, वॉज रिवार्डेड। क्या होगा, वॉज रिवार्डेड। क्लियर हो गया कि नहीं बताओ। तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए आप, मैंने आपको ये चीज बताई है कि सबसे पहले बात तो आपको देखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। तो आप वर्ब का यूजेस करते समय पहले तो आप ये देखिए कि आप जो वर्ब का जिस सब्जेक्ट के साथ आप एग्रीमेंट करने के लिए जा रहे हैं वो वर्ब आपकी कैसी है, उसकी मतलब उसका प्रयोग आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर रहे हो या मेन वर्ब के रूप में कर रहे हो। अगर मान लीजिए आप मेन वर्ब के रूप में कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपकी वी की फॉर्म आई है, तो वी की फॉर्म जो है वो कर्ता की क्या स्थिति स्पष्ट करती है। आपकी हैव वाली जो फॉर्म है, आपका हैज है, हैव और हैड है, ये मान लीजिए सब्जेक्ट क्या बताती है, पोजिशन बताती है। क्या बताती है, पोजिशन बताती है, और क्या बताती है, रिलेशन भी बताती है। और आपका डू, डज और डिड है, ये कर्ता द्वारा कोई कार्य किया गया हो उस कार्य को शो करने के लिए डू, डज और डिड का यूजेज किया जाता है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं, उसके बाद देख रहे हैं कि आप इस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको ये चीज क्लियर करनी है कि इसका प्रयोग एक्टिव में हुआ है या पैसिव में हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मैंने एक्टिव बता दिया है, ये एक्टिव जो वर्ब होती है उसका कर्ता का सीधा संबंध होता है। क्या होता है, सीधा संबंध होता है, यानी एक्टिव वर्ब वही होती है जिसमें कर्ता एक्टिव होता है, यानी कर्ता किसी कार्य को करता है। और पैसिव क्या होती है, कि कर्ता पर कार्य किया जाता है, कर्ता का कोई कार्य नहीं करता। क्या होता है, कर्ता पर कार्य किया जाता है, नॉट कि कर्ता उस कार्य को करता है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा था, ये बिल्कुल स्थिति स्पष्ट थी कि यहाँ पर एज वेल, अब आपको एज वेल एज मैंने अब रटना नहीं है आपको, कि एज वेल एज आपने देखा कि उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या जो आपका फर्स्ट जो वर्ड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ये चीज मैंने आपको बिल्कुल स्थिति स्पष्ट कर दी है, ये एज वेल एज आपको क्लियर कर दिया है कि कब तो इसका प्रयोग प्रीपोजिशंस के रूप में होता है और कब इसका प्रयोग एज किसके रूप में होता है, कंजंक्शंस के रूप में होता है। क्योंकि कंजंक्शंस होगा तो इसके बाद में क्या आएगा, एक सब्जेक्टिव केस आएगी। अगर ये जब भी ये प्रीपोजिशंस का फंक्शन करेगा तो इसके बाद जो आने वाला वर्ड है वो किस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। किसके होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो ये चीजें, थैंक्स। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट